नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुग्रह ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। विवाद, खातेदारी जमीन में अवैध खनन की जांच करने पहुंचे पुलिस व खनन अधिकारी। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनुग्रह ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। खातेदारी जमीन में अवैध खनन की जाँच करने पहुंचे पुलिस व खनन अधिकारी। जिम्मेवारी से बचाव में पटवारी ने लगाए पुलिस पर आरोप। पुलिस बोली, पटवारी की बिना सहमति खातेदारी में नहीं हो सकता खनन। बग्गड़ राजपूत में खातेदारी खसरा नंबर 468 में अवैध खनन कर 40 फीट गहरा खड्डा कर दिया गया है, लेकिन जिम्मेवार राजस्व विभाग गहरी नींद में सोता रहा। बुधवार को अवैध खनन की शिकायत कर पर जांच के लिए खनन एवं MIA थाना अधिकारी हल्का पटवारी को लेकर मौका रिपोर्ट बनाने पहुंचे, तो मौके पर ही हल्का पटवारी एवं जांच करने पहुंची पुलिस एवं खनन अधिकारी के बीच विवाद हो गया। रामखंड उपखंड क्षेत्र के गांव बग्गड़ राजपूत में खातेदारी के खसरा नंबर 468 में अवैध खनन कर 40 फीट गहरा खड्डा कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदार राजस्व विभाग गहरी नींद में सोता रहा। बुधवार को अवैध खनन की शिकायत पर जांच के लिए खनन एवं MIA थाना अधिकारी हल्का पटवारी को लेकर मौका रिपोर्ट बनाने पहुंचे, तो मौके पर हल्का पटवारी एवं जांच करने पहुंची पुलिस एवं खनन अधिकारी के बीच विवाद हो गया। अब एक तरफ राजस्व कर्मी हल्का पटवारी मोहम्मद हनीफ ने MIA थाना अधिकारी बनवारी मीणा एवं खनन अधिकारी राजेंद्र सिंह पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर का दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए पटवारी संघ के साथ मिलकर SDM को ज्ञापन सौंपते हुए थाना अधिकारी व खनन अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा का स्पष्ट कहना था कि खातेदारी की 0.30 हेक्टर कृषि भूमि में अवैध खनन कर 40 फीट गहरा खड्डा कर दिया गया है और जिम्मेदार हल्का पटवारी को पता ही नहीं, ऐसा कैसे संभव है। SHO ने कहा कि अवैध खनन की जांच के लिए हम हल्का पटवारी मोहम्मद हनीफ को मौके पर लेकर गए थे। मामला चूंकि खातेदारी की कृषि भूमि का है, इसीलिए पटवारी से मौके पर ही तैयार मौका नक्शा पर हस्ताक्षर करने को कहा था, लेकिन पटवारी शायद अपनी जिम्मेदारी से बचने का बहाना तलाश कर रहा था, जिसके चलते उसने मौका नक्शा पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पटवार संघ का ज्ञापन। विवाद को लेकर पटवार संघ उपशाखा रामगढ़ के नेतृत्व में तहसील के पटवारियों ने SDM अमित कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि थाना अधिकारी व खनन अधिकारी पटवारी मोहम्मद हनीफ से ब्लैंक कागजों पर हस्ताक्षर करवा रहे थे। हस्ताक्षर नहीं करने पर उन्होंने बाड़मेर ट्रांसफर करवाने की धमकी भी दी। SDM अमित कुमार वेरवा का कहना है कि खातेदारी जमीन में अवैध खनन या अन्य गतिविधि को लेकर प्रथम जिम्मेवारी राजस्व विभाग की बनती है। अवैध खनन के मामले में खनन विभाग की कार्रवाई कर सकता है। थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा का कहना है कि जुलाई महीने में खनन विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया था। संयुक्त जांच के लिए पटवारी को लेकर गए थे। खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 468 में 40 फीट गहरा खड्डा कर दिया गया, जिसे छिपाने के प्रयास मौके पर देखने को मिले, जिसमें बिजली के खंभे भी गिराऊ हालत में थे। कोई भी हादसा हो सकता था। पटवारी को मौके पर अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। शायद इसके बचाव में उसने मौका नक्शे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब यदि वह हम पर भी धमकी देने का आरोप लगा रहा है, तो सहज ही समझा जा सकता है कि अवैध खनन उसकी मिली भगत से हुआ है। यदि सहमति नहीं थी तो मुकदमा या शिकायत पटवारी की तरफ से हो जानी थी। मैं पटवारी हल्का मोहम्मद हनीफ हल्का बगड़ राजपूत से हूँ। कल 23/11/2022 को लगभग 2 बजे मेरे पास खनिज विभाग की टीम के साथ SHO MIA मौके पर पहुँचे और उन्होंने अराजी खसरा नंबर 468 का मौका दिखाने के लिए कहा। मैं राजस्व रिकॉर्ड के साथ में मौके पर पहुंचा और उनको मौका दिखा दिया गया। उसके बाद में मौका निरीक्षण करने के बाद में
खनिज अभियंता राजेंद्र सिंह जी द्वारा एवं SHO MIA श्री बनवारी लाल जी के द्वारा मुझसे खाली कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। मैंने उनसे निवेदन किया कि श्रीमान जी मौका पर्चा बना लीजिए, उसके बाद में मैं उस पर साइन कर लूँगा। खाली कागजात पर हस्ताक्षर किए जाने उचित नहीं है। इस स्थिति में मुझ पर दबाव बनाया गया खाली कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए। खनिज अभियंता श्री राजेंद्र सिंह जी के द्वारा कहा गया कि तुम्हें क्या बाड़मेर पोस्टिंग जाना है क्या। उसके बाद में SHO MIA के द्वारा कहा गया कि तुम इन 3 स्टारों की ताकत नहीं जानते, हम इससे कलेक्टर को भी घसीट सकते हैं, तुम तो पटवारी हो, तुम्हारी औकात क्या है, और तुम पर जो है झूठा धाराओं का आरोप लगाकर तुम्हें गाड़ी में डालकर ले जा सकते हैं। ग्रामीणों के सामने मुझे बेइज्जत किया गया, जिससे मैं डिप्रेशन में हूँ। इसके लिए उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए पटवार संघ के द्वारा श्रीमान SDM अधिकारी रामगढ़ को ज्ञापन दिया गया है। पटवार संघ इकट्ठा है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा रामगढ़ की तरफ से ये ज्ञापन दिया जा रहा है। उपशाखा रामगढ़ को हमारे पटवारी साथी मोहम्मद हनीफ खान ने अवगत कराया कि कल एक बगड़ राजपूत में मौका देखने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट और SHO MIA थाना MIA की कंप्लीट टीम जो है मौके पर पहुंची और इन्होंने मौके से उनका अवगत कराया। पटवारी ने बताया कि मौके से अवगत कराने के बाद संबंधित माइनिंग डिपार्टमेंट और थाना MIA टीम ने एक खाली हस्ताक्षर पेपर पर दस्तखत करने के लिए कहा, जिसके लिए पटवारी ने असमर्थता जाहिर की कि ब्लैंक पेपर पर दस्तखत ठीक नहीं है। उसके बाद संबंधित पटवारी को धमकाया गया, अपशब्द कहे गए और झूठे मुकदमे लगाने की और 3 स्टार की और बाड़मेर फेंकने जैसे अपशब्द जो है इनसे कहा गया, इन्हें धमकी दी गई, जिससे पटवारी डिप्रेशन में था और इसने उपशाखा रामगढ़ को अवगत कराया। अतः उपशाखा रामगढ़ ने आज संबंधित पूरी पटवारी मोहम्मद हनीफ की वस्तुस्थिति से के संबंध में ज्ञापन तैयार करते हुए श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को प्रेषित किया है। हम आपको बता दें कि विवादित भूमि पर स्थगन आदेश के बावजूद भी जाति विशेष के लोगों के पक्ष में नगर पालिका द्वारा 4 दीवारी बनाए जाने से उपजे विवाद को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के डोली गांव के जय कॉलोनी में मंदिर माफी की जमीन पर, जहां छठ माता का मंदिर बना हुआ है और सैकड़ों वर्षों से पूजा अर्चना होती आ रही है, उस भूमि पर कब्रिस्तान की भूमि बताकर नगर पालिका द्वारा ठेका छोड़कर 4 दीवारी कराए जाने लगी, जिसमें हिंदू पक्ष के लोगों ने विरोध किया तो उसमें विरोधियों ने विरोध करने वालों पर प्रशासन द्वारा SC/ST Act का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। जबकि इस विवादित भूमि खसरा नंबर 380 रकबा एक होटल से अधिक गत पार वर्ष 2021 में प्रशासन द्वारा कब्रिस्तान की भूमि बताकर 4 दीवारी करने की कोशिश की गई, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और मामले को कोर्ट में लाया गया तो रामगढ़ न्यायालय द्वारा मुकदमा नंबर 24/2021 को स्थगित आदेश दे दिया, जिसके बावजूद भी कुछ समय पूर्व नगर पालिका द्वारा विवादित भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताते हुए 4 दीवारी का टेंडर छोड़ 4 दीवारी करने का प्रयास किया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। उसके बाद जाति विशेष के लोगों ने रामगढ़ तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर इस भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताते हुए मुक्त कर कब्जा दिलाने की मांग की और धरने पर बैठे रहे, जबकि अभी तक इस भूमि पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया हुआ है। उसके बावजूद भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए इस भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताकर 4 दीवारी करने का प्रयास किया गया, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया तो प्रशासन द्वारा हिंदू पक्ष के लोगों पर SC/ST Act मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस बारे में आज विभिन्न हिंदू संगठनों मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि इस सेड़ माता मंदिर की प्राचीन मंदिर भूमि के साथ साथ किसी प्रकार की छेड़खानी ना की जाए। हम आपको बता दें कि ज्ञापन देने आए लोगों में शामिल पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता ने बताया कि इस भूमि पर सैकड़ों कोसों से शीत माता का मंदिर बना हुआ है और हिंदू पक्ष के लोग समय समय पर पूजा अर्चना करते रहते हैं, इसके बावजूद भी राजस्व रिकॉर्ड में इस भूमि को कब्रिस्तान की भूमि बताते हुए इस भूमि पर 4 दीवारी करने का प्रयास किया जा रहा है।
जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। हम नहीं चाहते कि इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगड़े, इसलिए इस भूमि पर किसी प्रकार की छेड़खानी ना करने दी जावे, यह हमारी मांग है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व सरपंच देवेंद्र दत्ता, रमन गुलाटी, एडवोकेट मुकेश सैनी, हेतराम शर्मा सहित अनेक दर्जन ग्रामीण मौजूद रहे। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अमित भारद्वाज, रामगढ़, अलवर। हमारे एक डोली केशव नगर में एक शीतला माता मंदिर का विवाद चल रहा है, उसी में कब्रिस्तान रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, जबकि वहाँ कम से कम नहीं तो 150-200 साल पुराना मंदिर है और मुसलमानों की कब्र तो लगभग 100-150 साल से कोई दबी नहीं, क्यों वहाँ एक भी मुसलमान परिवार नहीं रहता उस गांव में जहाँ का वो मैटर है। इसके लिए स्टे लगा हुआ है कोर्ट से, कोर्ट का स्टे होने के बाद भी नगरपालिका ने टेंडर छोड़ दिया और वहाँ ठेकेदार जा करके काम करने पहुँच गया। ठेकेदार SC का होने के नाते उसने हमारे ऊपर SC ST का केस लगा दिया और हमारे ऊपर दबाव दे रहा है कि साहब कोर्ट का स्टे कुछ नहीं होता, मुझसे विधायक ने कह दिया यहाँ बाउंड्री होगी और मैं बाउंड्री करके रहूँगा चाहे इसमें कुछ भी हो। इस बारे में आपने नगरपालिका को भी सूचित किया है कि अब नगरपालिका में भी हमने एप्लीकेशन दे दी, स्टे की कॉपी भी दे दी, माननीय तहसीलदार को भी स्टे की कॉपी और एक एप्लीकेशन दे आए और कलेक्टर साहब को भी हम दे आए, अब SDM साहब को हम दे करके आए, उसमें स्टे की कॉपी भी है और एप्लीकेशन भी है हमारी, हम सारी जगह अवगत करा चुके हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर नाजायज दबाव बनाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि या तो आप इसका समझौता कर लो, नहीं करोगे तो आपको SC ST और दुनिया भर के झूठे मुकदमों में फंसाएंगे। रामनगर में जो भूमि का विवाद चल रहा है उसमें जय कॉलोनी में जो मंदिर माफिक ज़मीन है उसमें कोर्ट से निषेधाज्ञा है और स्टे चल रहा है कोर्ट का, उसके बावजूद भी 4 दिन पहले कुछ व्यक्ति उस पर काम करने के लिए पहुँच गए, उन्होंने बोला कि हमारे पास प्रशासन से इस बात की आज्ञा है, जबकि न्यायालय ने इस पर साफ स्टे दे रखा है और मना कर रखी है कि इस पर कोई कार्य नहीं होगा, यह ज़मीन एज इट ऐसे कैसे यहाँ पर रहेगी, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो लगातार ऐसी बात हो रही थी, उसके बाद जब लोगों ने वहाँ रोका तो उनके खिलाफ भी मुकदमा SKC का दर्ज कर दिया गया कि हमको गाली दी, ये किया, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उनको मना किया गया कि कोर्ट की जब निषेधाज्ञा है तो आप यहाँ पर काम मत करें। उसके बाद इस बात की सूचना कलेक्टर साहब को दी गई, SP साहब से कहा गया, नगर पालिका को दी गई, आज हम यहाँ SDM साहब पास आए, इसी बात का ज्ञापन देने आए हैं कि जब स्टे है, स्टे होने के बाद जब मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है, तो इस पर कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा दबाव आ रहा है लगातार, ऐसी कौन सी सरकार दबाव डाल रही है जो लगातार ये लोग स्टे के बावजूद भी कार्य करने पहुँच रहे हैं, तो आप इस बात को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टे होते हुए ये हाल है तो ये मैटर कितना बड़ा हो सकता है। इतना ही कहना चाहूँगा आगे।